Park Seo-jun, Hyo-bin, Park Hyun-sik, Nam Joo-hyuk, Kim So-hyun, Ji Chang-wook, तुम्हारा फेवरेट, Lee Min-ho. अरे भाई, हमारे फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है. हम किसी एक को अपना फेवरेट तो बिल्कुल नहीं बता सकते हैं. लेकिन इन सब में एक ऐसे एक्टर है जो पिछले 11 साल से लोगों के फेवरेट बने हुए हैं. कैन यू बिलीव इट? इन फैक्ट एक सर्वे हुआ जिसमें ग्लोबली ये पूछा गया कि द फर्स्ट कोरियन एक्टर दैट कम्स टू योर माइंड एंड यू वोंट बिलीव, मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ एक ही नाम लिया था. मैं भी शायद एक ही नाम लेती. फिलहाल वो कौन से एक्टर हैं जो ग्लोबली छाए हुए हैं वो तो मैं बस आपको सिर्फ 30 सेकंड्स में बताऊंगी. लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि नाम यानी कि नेम को कोरियन में क्या कहते हैं. तुम बताओगी? आप ही बताइए. चलिए, क्या कहते हैं नाम को? नेम को यानी नाम को कोरियन में बोलते हैं इरम. इरम, इरम. कुछ लोग र को ल भी बोलते हैं, तो हम इलम भी बोल सकते हैं. चलो चलो, नाउ कमिंग बैक टू माय स्टोरी, मैं आपको बता रही थी कि एशिया पैसिफिक, द अमेरिकास, यूरोप, द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के रीजंस में एक सर्वे हुआ. ठीक है, द सर्वे वाज अबाउट द फर्स्ट कोरियन एक्टर दैट कम्स टू योर माइंड एंड इसका जवाब है आप मत बताओ ना. देख लेते हैं. चलो ठीक है, आप ये देखिए. अगर मैं ये पूछूं कि नेम द फर्स्ट कोरियन एक्टर दैट कम्स टू माइंड, तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, कोई बोलेगा जी चैंग वोक, तो कोई बोलेगा ली डोंग वोक, कोई शायद किम सो ह्यून का नाम लेगा और कोई शायद चा योन वू पर दांव लगाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं मैक्सिमम लोगों की लिस्ट में जिस कोरियन एक्टर का नाम है वो है ली मिन हो का. जी हाँ, पिछले 10 साल से एक्टर ली मिन हो हैज मेंटेन्ड हिज स्टेटस एज द मोस्ट बिलव्ड कोरियन एक्टर वर्ल्ड वाइड, सॉलिडिफाइंग हिज पोजीशन एज अ लिविंग लेजेंड. इस साल भी जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म और द कोरिया फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज ने द 2024 ओवरसीज कोरियन वेव सर्वे की, तो 11वीं बार भी मोस्ट बिलव्ड कोरियन एक्टर वर्ल्ड वाइड की कैटेगरी में ली मिन हो नंबर 1 की पोजीशन पर मिले. ये दर्शाता है कि ली मिन हो ग्लोबली कितने पॉपुलर है. He has consistently topped preference polls in diverse regions, including the Asia Pacific, the Americas, the Europe, the Middle East and Africa. जब एक सर्वे किया गया, which was titled the first Korean actor that comes to mind, तो he emerged as the first choice in the survey. अगर आप ये कहेंगे कि Lee Min Ho Korean entertainment industry के global icon है, तो ये भी गलत नहीं होगा. उनकी वेब सीरीज एंड टीवी सीरीज मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे कोरियन एंटरटेनमेंट अपने पैर पसार रहा है. लेकिन तमाम कोरियन एक्टर्स के बीच ली मिन हो का फेस रेशियो सबसे ज्यादा पसंद है. अर्ज किया है. हाँ. किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, यकीन ना हो तो बिस्किट से ही पूछ लो. वाह. ये क्या था प्रियांशु? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कितनी गंदी शायरी मैंने कभी भी नहीं सुनी. I know, काफी बुरा जोक था. ब्रेकअप को लेकर तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है. दिल पर पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ये जब से अपने घर से लौट के इसको कुछ हो गया है. फ्रेंड्स, इसकी बातों को प्लीज इग्नोर कीजिएगा. वैसे बात ब्रेकअप की चल रही है, तो ब्रेकअप को लेकर मुझे कुछ याद आया. एक खबर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई नो तुम घर गई होगी, तुमने पेपर नहीं पढ़ा होगा, वेबसाइट नहीं पढ़ी होगी, बट ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैम, सिंगल रहने का ना अलग ही मजा है. ना बाबू, ना सोना, ना रोना धोना, बस खाना और सोना, यही तो चाहिए. सॉरी फ्रेंड्स, ये आज इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, ये भावनाओं में पूरी तरीके से बह गई है. आप ये देखिए के वर्ल्ड में किसने सिर्फ 5 महीने में ब्रेकअप कर लिया. प्रियांशा प्लीज अपनी शायरी थोड़ी सी होल्ड ऑन करो. ये देखो, मैं
कर दिया है मुझे तेरी 4 दिन की झूठी मोहब्बत ने। काश वो पल फिर से लौट आए जब तुमसे अनजान थे हम। ऐसा ही कुछ सोचा होगा एस्पेरा की करीना ने जब उनका 5 हफ्ते पुराना रिश्ता टूटा होगा। द कोरियन हेरल्ड के मुताबिक एक्टर ली जे वुक और करीना ने ब्रेकअप कर लिया है और ये ब्रेकअप हुआ है फैंस के प्रेशर की वजह से। हाल ही में ली जे वुक की एजेंसी ने फॉर्मली अनाउंस भी कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक्टर ली जे वुक डिसाइडेड टू ब्रेक अप विद करीना टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। द टू ऑफ देम विल कंटिन्यू टू सपोर्ट ईच अदर एज कॉलीग्स वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री। वहीं दूसरी तरफ करीना की एजेंसी SM एंटरटेनमेंट ने भी कोरिया हेरल्ड को बताया कि करीना एंड ली जे वुक हैव डिसाइडेड टू गो देयर सेपरेट वेज। द टू फर्स्ट मेट एट प्राडास 2024 फॉल विंटर मेंस कलेक्शन शो इन मिलान ऑन जैन 14 और 27 फरवरी को दोनों ने रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी। लेकिन इस रिलेशनशिप की वजह से करीना को तमाम फैंस की वजह से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, जिसके बाद करीना को बकायदा चिट्ठी लिखकर अपने फैंस से माफी तक मांगनी पड़ी। सम ऑफ हर फैंस हैड इवन रेंटेड ट्रक्स विद अ लार्ज LED स्क्रीन ऑन इट्स साइड दैट डिस्प्लेड रिटन प्रोटेस्ट अगेंस्ट हर डेटिंग। सिर्फ करीना ही नहीं, ली जे वुक को भी करीना को डेट करने के लिए एक्यूजेशन फेस करने पड़े थे। ये ब्रेकअप सच में हुआ है या सिर्फ फैंस को दिखाने के लिए किया गया है ये तो नहीं पता, पर जो हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि बिसाइड्स बीइंग सेलिब्रिटीज देयर आल्सो ह्यूमंस हु हैज द राइट टू लव, टू डेट एंड टू डू व्हाट दे वांट टू डू। तुमने देखा ये कैसा अजब गजब ट्रेंड देखने को मिल रहा है कोरिया में? अफेयर बाद में शुरू होता है, ब्रेकअप पहले हो जाता है। आई मीन डेट करते करते कभी कुछ हफ्ते ही बीतते हैं कि भैया एक खबर आ जाती है कि टूट गया। अब तो बहुत कॉमन हो गया है ये सब, है ना? आई नो, अभी कुछ दिन पहले भी बहुत सारी इस तरह की खबरें आई है ना? है ना? True. अभी हांसो ही और रियुजुन योल का भी ब्रेकअप हुआ है ना रिसेंटली। यही वजह है कि रियुजुन योल और हांसो ही अपीयरेंस एंड डिल्यूजन हैव बीन हॉल्टेड। आपको बताते हैं डिल्यूजन एक सीरीज है जिसमें ये दोनों अपीयर होने वाले थे, लेकिन अब इनके ब्रेकअप की खबर के बाद इस सीरीज को जो है हॉल्ट कर दिया गया। खैर गाइस, प्रोफेशनल और पर्सनल मिक्स हो रहा है। खैर ये सब छोड़ो, ये ब्रेकअप की बातें तो तुम्हारे शेर सुन के तो आपने भी सुना ही है। और सुनाऊं? नहीं प्लीज नहीं, ये दर्शक हमारे ना भाग जाएंगे अगर तुमने दोबारा से कुछ भी बोला तो। खैर ये सब छोड़ो, क्या तुमने टॉय स्टोरी देखी है? हाँ हाँ, मुझे वुडी, एलियन, हैम, रेक्स एंड बज लाइटियर तो बहुत ही पसंद है। तो तुमको पता है अब तुम्हारी ये जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं ये जल्द ही BTS के लुक में होंगे। आई मीन BTS इनके लुक में होगा। वो कैसे? मैं कुछ ज्यादा बताऊंगी नहीं, डिज्नी कुछ लेकर आ रहा है, ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जो इसमें कि ये BTS के कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करने वाला है। वो कैसे होगा प्लीज ये देखिए। वाओ, वॉल्ट डिज्नी का कमाल है। अगर हम ये कहें कि आपके फेवरेट BTS ने टॉय स्टोरी के कैरेक्टर्स के साथ टीम अप कर लिया है तो क्या बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन ये सच है क्योंकि वॉल्ट डिज्नी कंपनी कोरिया अब टॉय स्टोरी सीरीज में BTS को भी शामिल करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, कोरिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी हाइब अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद वॉल्ट डिज्नी कंपनी कोरिया टू इंट्रोड्यूस द टॉय स्टोरी टाइनी टैन। टाइनी टैन ने BTS के सभी 7 मेंबर्स को एनिमेटेड कैरेक्टर में बदल दिया है। Since its launch in 2020, Tiny Tan's 2 animated videos have garnered over 200 million views. अब तक ये कैरेक्टर्स आपको अलग अलग तरह के गेम्स, टॉयज और वेरियस लाइसेंस मर्चेंडाइज में देखने को मिले होंगे, लेकिन अब टॉय स्टोरी टाइनी टैन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोलैबोरेशन बिटवीन अ के-पॉप सेंसेशन एंड आइकॉनिक एनिमेशन कैरेक्टर्स। और अब टाइनी टैन के कैरेक्टर्स टॉय स्टोरी के कैरेक्टर्स के कपड़ों में दिखेंगे। फॉर इंस्टेंस, द RM कैरेक्टर डॉन्स वुडीज काउबॉय हैट एंड अटायर व्हाइल जिन इज ड्रेस्ड इन एलियन स्पेस सूट। तुमको तो पता ही है BTS के सारे मेंबर्स इस समय मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, लेकिन डिज्नी की इस टॉय स्टोरी के बाद शायद फैंस को इनकी कमी महसूस ना हो।
चलो फ्रेंड्स, अब टाइम है हमारे जाने का, लेकिन उससे पहले क्विज टाइम। अच्छा पहले ये बताइए, मेरे जाने के बाद आप लोगों ने मुझे मिस किया? लोगों का तो पता नहीं, बट मैंने तो यार तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे जाने के गम में मैंने, पता है, मैंने इनसे क्विज तक पूछना छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, तो वापस से अब आया है हमारा क्विज टाइम। बताइए फिर आज मुझे कि हम स्कूल को कोरियन में क्या कहते हैं। ऑप्शन देंगे आपको शिल्पी मैम। पहला ऑप्शन है हाक्यो, दूसरा ऑप्शन है होइसा, और तीसरा ऑप्शन है नालसी। इसमें से एक सही जवाब है। प्रियंशा को शायद पता भी है, लेकिन वो अभी आपके सामने रिवील नहीं करेगी। तो चलिए सही जवाब हमें लिखकर जरूर भेजना, और हाँ कोई भी सजेशन हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, हम उस पे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मैसेजेस का जवाब भी देंगे, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे नीचे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह फॉलो कर सकते हैं, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैप्पी संडे, बाय बाय।